हेलो 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 गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साउथ से लेकर बॉलीवुड तक आ रही कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स, बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो गाइस, सबसे पहले ही बात कर ली जाए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी, जी हाँ गाइस, जो कि उस समय की काफ़ी बड़ी मूवी थी बॉर्डर। जी हाँ गाइस, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है कि बॉर्डर 2 अब बहुत ही जल्द आने वाली है। मूवी का एक छोटा सा टीजर रिलीज हुआ है जिसमें कि मूवी का पॉपुलर सॉन्ग संदेश आते हैं वो भी सुनने को मिला है। साथ ही बताया गया है कि मूवी का बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है। वेल गाइस, अभी रूमर्स जो आ रहे हैं उस हिसाब से मूवी की कास्टिंग की हम बात करें तो गाइस, सनी देओल तो कंफर्म है कि वो तो इस मूवी में हो गई, साथ विकी कौशल और आयुष्मान खुराना जैसे बड़े नाम भी इस मूवी में जुड़ते हुए हमें नजर आ सकते हैं। वेल गाइस, अभी ये रूमर्स से कंफर्म अभी आया नहीं है, लेकिन गाइस कंफर्म तो हो गई क्योंकि गाइस न्यू स्टार कास्ट तो इस मूवी से जुड़ने ही वाली है। वेल गाइस, ये मूवी जिस दिन भी आएगी भाई इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी, क्योंकि गाइस बॉर्डर 2 अनाउंसमेंट के साथ ही हाइप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा चुकी है। वही सेकंड अपडेट निकल कर आ रही है रॉबिन हुड मूवी से, जहां कल के दिन श्रीलीला के बर्थडे के मौके पर उनका भी एक छोटा सा ग्लिम्स वीडियो रिलीज हुआ, जिसमें कि कंफर्म हो गया कि मूवी की लीड एक्ट्रेस श्रीलीला होने वाली है, जिसमें उनका काफी ब्यूटीफुल लुक नजर आया है। और हम सबको बताया कि भाई श्रीलीला की डिमांड आज के समय में कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वेल, एक छोटी सी अपडेट दी जो मैंने आपको बता दी है। तीसरी बड़ी अपडेट की हम बात करें जो कि निकल कर आ रही है जूनियर एनटीआर की दो बड़ी मूवी से, जी हाँ गाइस, देवरा और एनटीआर 31 से। तो गाइस, सबसे पहले देवरा मूवी की हम बात करें तो गाइस, टी सीरीज और धर्मा प्रोडक्शन ने मूवी की ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी है। जी हाँ गाइस, 27 सितंबर की वो डेट होगी जब देवरा मूवी हमें थिएटर में दस्तक देगी, जहाँ पहले मूवी की रिलीज डेट 10 अक्टूबर की थी, लेकिन अब पुष्पा 2 पूरी तरीके से 15 अगस्त से हट चुकी है और आगे जा चुकी है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन पहले देवरा की बात कर ले तो गाइस, पुष्पा 2 के कारण अब देवरा मूवी आगे आ चुकी है रिलीज होने के लिए। और गाइस, अब ये मूवी 10 अक्टूबर से हटकर 27 सितंबर की डेट लॉक कर चुकी है। वही जूनियर एनटीआर की एनटीआर 31, जिसका कि करण जौहर ने टाइटल रखा था ड्रैगन, तो गाइस इस मूवी में प्रशांत नील बॉलीवुड से काफी बड़ा नाम विलन के तौर पे लेना चाहते है, और रूमर्स है कि वो नाम बॉबी देओल का होगा, क्योंकि गाइस बॉलीवुड में अभी बॉबी देओल की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। ऐसे में रूमर्स है कि एनटीआर 31 यानी कि ड्रैगन मूवी में हमें बॉबी देओल विलन बनते हुए नजर आ सकते है। वही लास्ट अपडेट जिसके बारे में आप सभी को पता चल गया होगा, जी हां गाइस, पुष्पा 2 ने हम सभी का दिल दुखा दिया है, मूवी पोस्टपोन होने जा रही है, जहां मूवी का पोस्टपोन होने का कारण बताया जा रहा है मूवी की शूटिंग, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई है। और सुकुमार ने बताया कि मूवी की शूटिंग को खत्म होने में अभी 1.5 से 2 महीना और लगने वाला है। ऐसे में 15 अगस्त की मूवी की रिलीज डेट कैंसिल हो चुकी है, तो अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मूवी अब कौन सी रिलीज डेट लॉक करती है। लेकिन गाइस, पुष्पा 2 का भोकाल इतना ज्यादा है ये हम अब समझ आ रहा है, क्योंकि गाइस ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन इसके जगह 2 मूवी जो है वो लॉक होते हुए में नजर आ रही है। जी हाँ गाइस, सबसे पहले 14 अगस्त को राम पोतने ने स्टार मूवी डबल आई स्मार्ट मूवी रिलीज होने वाली है, जो कि 14 अगस्त को लॉक कर चुकी है। पूरी जगन्नाथ ने अपने ऑफिशियल चैनल पर इसकी पुष्टि की है। तो गाइस, डबल स्मार्ट शंकर जिसका मार्केट में बस अच्छा है, तो देखते हैं ये मूवी तेलुगु से कितना बड़ा धमाका कर पाती है। वेल, पुष्पा 2 का क्रेज तो काफी ज्यादा है, तो देखते हैं पुष्पा 2 कब रिलीज होती है, लेकिन इससे राम पोतने की डबल आई स्मार्ट शंकर को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वही सेकंड मूवी जो 15 अगस्त को लॉक करते हुए नजर आ रही है, वही 15 अगस्त को तमिल इंडस्ट्री की काफी बड़ी मूवी, जी हां गाइस, थंगलान 15 अगस्त को हमें आते हुए नजर आएगी, जो कि चियान विक्रम की काफी ज्यादा बड़ी मूवी है, जिसका मार्केट में जो बज है वो काफी जबरदस्त है, जहां मूवी की रिलीज डेट लॉक नहीं हो रही थी, लेकिन अब पुष्पा 2 के आगे खिसकने के कारण जो मूवीज है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही, रिलीज डेट अपने आगे करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में 15 अगस्त को हमें थंगलान मूवी रिलीज होते हुए नजर आएगी, जो कि भाई एक थिएटर में तबाही ला सकती है, और इस मूवी का क्रेज भाई काफी ज्यादा है। वेल गाइस, ये तो मानना पड़ेगा कि पुष्पा 2 का लेवल काफी ज्यादा है, और उसके खिसकने से जो पीछे की मूवीज रिलीज होने वाली थी उनको काफी ज्यादा फायदा हो चुका है, यही कारण है कि भाई देवरा मूवी भी अक्टूबर से सितंबर में आ चुकी है। वेल गाइस, आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।